बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है क्योंकि ये पूरा इंडिया को लेकर है। मैं फुलवा जी को जानती हूँ तो उनसे थोड़ा लग रहा है। टफेस्ट कंपटीटर में से वो फुलवा जी है। मुझे डर लगता है सबसे ज्यादा वो है जैसे कि फुलवा मैम मेरे गुरु थी और अब गुरु शिष्य के बीच में लड़ाई होगा, पर मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। मुझे ऐसे बोला जा रहा है कि मैं बहुत जन को कंपटीशन लग रही हूँ। मे बी उन्होंने मुझे पहले डांस करते हुए देखा है, पर भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी जब भी मैंने देखी ये कंपटीशन तो ऑल मम्मी सो यंग एंड यू नो द वे दे वर डूइंग, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे ज़्यादा टेंशन आया है। ओके नाउ स्टैंड बाय म्यूजिक। फुलवा हेलो, क्या डांस करती हो आप? क्या डांस? थैंक यू सर। बिगिनिंग से लेके जब आपने पिरो स्टार्ट किया वहां से लेकर आपके एंड तक, बीच में फैन किक किया, कार्टविल किया, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट फॉर मी, एवरीथिंग। गाना काफी स्ट्रेंज था, कभी सुना नहीं है, सो इट्स वेरी नाइस सॉन्ग। मैंने भी नहीं सुना था पहले। फिर चुना क्यों? क्या हिम्मत है दादा? आई लाइक द सॉन्ग व्हेन आई हर्ड इट एंड इट्स फ्रॉम एबीसीडी, तो ले लिया। व्हाट द रिस्क, इट्स पेड ऑफ वेरी वेल। अब जितनी खूबसूरत लग रही है उतना ही खूबसूरत आपका डांस था। वाओ, थैंक यू सो मच, ग्रेट कॉम्प्लीमेंट सर, थैंक यू। फुलवा, आप एक प्रोफेशनल जिमनिस्ट हो, आप टीचर भी हो, और ऑफ कोर्स आप पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। ओके, यू हैव टू डू बेटर देन द बेस्ट। थैंक्स, प्लीज डू दैट, थैंक यू। फुलवा, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, आई लीव इट टू द जजमेंट, बट बडी यू हैव इट। थैंक यू सर, यू आर वेरी वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा नाम है सरस्वती देव घटक और मैं कोलकाता के पास बारासियात से आई हूँ। 6 साल पहले मैंने एक कंपटीशन में गए थे, तब उसके जो फाइनल राउंड में था जब मैं, तब फुलवा मैम ने मेरे लिए कोरियोग्राफ किया था। उस टाइम मैंने मैम से मिला और मुझे यहाँ पे आकर पता चला कि मेरे मैम फुलवा मैम जो कि मेरा गुरु भी है वो अभी इस कंपटीशन में है। टफ कंपटीशन है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ऐसे बोलूंगी, और जो है दिल से फेंक के करेगी तो जरूर बाहर आएगा। शी हैज टू डू वेल, मेरी शिष्य है ना। मैं फुलवा मैम को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा डांसर है, उसके पास ढेर सारी एनर्जी है, एक्सप्रेशन है, मैं उसको फॉलो भी करती हूँ, और अगर मैं इसमें सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मैम के साथ काम करने में बहुत मजा आएगा और कुछ सीख पाऊंगी मैम से। Okay, stand by and music. आज
परफॉर्म अभी कर लिया, सबसे सुपर परफॉर्म। शास्वती। हेलो सर। ये गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूं कि सब डांसर्स एक तरफ, सब सुपर मॉम्स एक तरफ और आप एक तरफ। ओह थैंक यू सर। मैं कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकता, इनफैक्ट ये तो यू नो वॉज ट्रूली अ वेरी हाई डीआईडी लेवल। ये तो हम यू नो तीन चार हफ्ते यू नो ऑडिशन होने के बाद जब सुपर 16 हो जाता है, जब आप सोलोस करने लगते हो, तब जाके यू नो कस कर, कमर कस कर, बहुत रिहर्सल करके ये परफॉर्मेंस मिलता है और एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। तो आपके लिए मैं इस परफॉर्मेंस के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मेरा ये डांस मुझे कंपोज करने के मेरे पापा ने हेल्प किया। आपके पिताजी को मेरी तरफ से और आई थिंक मर्जी बुलाए, सर बुलाए से उनको। सलाम पापा है। वेरी गुड, हाउ अमेजिंग। अंकल आप एक मिसाल हो एंड दिस इज अमेजिंग। एक रत्न को आपने हमारे और भेज दिया है। It was beautiful to watch this relationship. Thank you, sir. Thank you very much. Well done, sir. Well done. Thank you very much. Shashwati. Yeah. You are someone that I'll do this for. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Shashwati. Dada. मैं मतलब मुझ में लग रहा है मैं ड्रीम में हूँ। मैं कब मैं आपसे मतलब आपके सामने परफॉर्म के लिए, मेरे 33 साल गुजर गए। मैं वेट कर रही थी इस दिन के लिए जब मैं आपके सामने परफॉर्म कर रही और आज वो दिन आ गया। मेरा तो मतलब सपना पूरा हो गया। क्या बात क्या बात। थैंक यू सो मच। Thank you, Shashwati. Thank you very much. That's it. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. जब शिष्य को अपने गुरु से बेहतर करने का लक्ष्य मिलता है तब इम्तिहान और भी कड़ा हो जाता है। एक्चुअली बहुत टेंस है। मुझे पता है शाश्वती मुझसे ज्यादा टेंस है एंड आई होप कि उसको गोल्डन पंक मिले। मैम कंफर्म है उसे मिलेगा और मैं चाहती हूँ मुझे भी मिले। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है टॉप 16 में आना और इम्पोर्टेंट भी है। शाश्वती मैं जानता हूँ कि आप फुलबा को गुरु मानती हैं। देखते हैं कि गुरु चेला सिलेक्ट होती है दोनों या एक। दादा ही बताएंगे। दादा व्हाट डू यू थिंक मर्जी? दादा मेरा दिल दोनों के लिए है दादा। हाँ हमने तो दोनों को सिलेक्ट किया था लेकिन दादा फिर आपके बहुत बहुत ऐसा लगता है इनका वो हक बनता है दादा। बहुत इमोशनल हो जाता हम लोग। एनीवेज शाश्वती यू आर सिलेक्टेड। Sorry, Fulva. Thank you, sir. Next. क्या बोलेगा बोलिएगा सर। अभी तक तो रिजल्ट नहीं है, हमको तो मालूम नहीं है। टेंशन तो है। It
इतने मुश्किल इम्तिहान के बाद जब सफलता कदम चूमती है तब खुशी सर चढ़कर बोलती है। थैंक यू वेरी मच, सॉरी फुलवा, थैंक यू, थैंक यू सर। नेक्स्ट बुलाने से पहले फुलवा इधर आइए।